गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो हाउ आर यू बेटा? ऑल आर फाइन. ओके, सो ओपन योर इंग्लिश नोटबुक. टुडे वी आर लर्निंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. हमारे सिलेबस से बिल्कुल हटकर टॉपिक है ये, जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, है ना? तो चलो फटाफट से इंग्लिश के टेक्स्ट बुक्स ओपन कर लीजिए. अब सभी ने निकाल लिया इंग्लिश की नोटबुक. डेट राइट डाउन कर लीजिए, सब्जेक्ट डालिए. डाल दिया सभी ने? ओके, तो चलो शैल वी स्टार्ट. ओके, तो बेटा देखो, आपने हिंदी में और मराठी में स्वर पढ़े हैं, है ना? स्वर, जिसे हम इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं. अब जब हम मराठी में स्वर लिखते हैं तो वो होते हैं 12 टाइप्स के. कौन से? ओ, ओ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ए, ऐ, औ, अम, आहा, है ना? और इंग्लिश में जब हम वॉवल्स राइट डाउन करते हैं तो वो होते हैं 5. कौन से होते हैं वॉवल्स? ए, ई, आई, ओ, यू. ये क्या है? वॉवल्स. अब आप सभी को पता है कि अगर हमें कोई वर्ड बनाना है, है ना, वर्ड, W O R D, वर्ड, अगर हमें कोई वर्ड बनाना है तो उसके लिए हमें वॉवल और कॉन्सोनेंट, इन दोनों की मदद लगती है, है ना? हमारे जो वॉवल्स है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स. और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं? यस, बी, सी, डी, एफ, जी, एम, एन, ये जो जेड तक है वो बाकी के कॉन्सोनेंट्स हैं. तो जब भी हम वर्ड्स बनाते हैं तो इन वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की मदद से, हेल्प से ही वर्ड्स बनते हैं, है ना? ईच एंड एवरी वर्ड हैज अ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट. सिंपल सा वर्ड है बी ए टी, बैट, बी ए टी, बैट. अब बी क्या है? वॉवल है या कॉन्सोनेंट्स है? यस, कॉन्सोनेंट्स. टी क्या है? कॉन्सोनेंट्स है. ए क्या है? वॉवल है. ए क्या है? वॉवल है, है ना? वॉवल. तो हुआ वॉवल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन करके हमने वर्ड बनाया, है ना? ईच एंड एवरी वर्ड, कोई भी वर्ड आप, एक नोज, ओके, एन ओ एस ई, नोज. एन कॉन्सोनेंट, ओ वॉवल, एस कॉन्सोनेंट, ई वॉवल, है ई वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों है. ईच एंड एवरी वर्ड में वॉवल और कॉन्सोनेंट्स होता है, इन दोनों को मिलकर ही क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं. अब इसी तरह से आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि ईच एंड एवरी वर्ड के लिए जिस तरह से हम लोग ए बी सी डी ये पढ़ते हैं ना अल्फ़ाबेट्स, तो उनके लिए मराठी के कौन से वर्ड्स हैं, कौन से शब्द हैं, कौन से अक्षर हैं, है ना? हम मराठी में पढ़ते हैं क ख ग घ, है ना, अ आ ई ई, ये सब पढ़ते हैं. तो इन अक्षरों के लिए इंग्लिश के कौन से लेटर्स यूज किए जाते हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे. अब सबसे पहला हमारा जो अक्षर है वो है अ. कौन सा है? अ है. अ लिखा सभी ने? वेरी गुड. अब अ, अ के लिए क्या यूज किया जाता है? ए. वेरी गुड. क्या यूज किया जाता है? ए. आपको ये सब पता होना चाहिए, अभी हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए हैं, है ना? तो ये छोटी छोटी जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये हमारे ध्यान में आ गई ना बेटा, तो बड़े से बड़े वर्ड्स भी हम इंग्लिश में राइट डाउन कर सकते हैं, है ना? तो चलो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं. तो अ, तो फिर अ के लिए हमें इंग्लिश का कौन सा लेटर यूज करना है? वेरी गुड. ए. कौन सा लेटर यूज करना है? ए. अब अ के बाद क्या आता है? वेरी गुड, आ, है ना? अ में आ की मात्रा आ. अब आ आया. अ के लिए हमने क्या यूज किया था? ए. फिर आ, इसका मतलब डबल ए, सिंपल, है ना? डबल ए. अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए. देन
अब ई के लिए आ जाएगा हमारा आई. क्या आ जाएगा? आई. क्या आ जाएगा उसके लिए? आई. देन अ बड़ी. इस बड़ी के लिए हम राइट डाउन करेंगे कैपिटल ई देन स्मॉल ई, मतलब डबल ई. बड़ी ई की जो मात्रा है, सॉरी बड़ी ई जो है उसके लिए इंग्लिश के डबल ई लेटर्स यूज करेंगे हम. ओके. देन ऊ. ऊ क्या आ जाएगा उसके लिए? यू. अब देखो आगे आगे और फिर आपको मैं इसमें और एक बात मिल जाएंगी. अब ये है हमारा बड़ा ऊ, तो उसके लिए हम राइट डाउन करेंगे डबल ऊ, डबल ओ. ओके. देन उनके बाद क्या आता है? ए, है ना. फिर से ए के लिए हम क्या राइट डाउन करेंगे? ई. क्या राइट डाउन करेंगे? ई. ओके. देन आई. आई के लिए हम राइट डाउन करेंगे ए आई. ए आई आई. ये सब आपको ध्यान में रखना है. ओके. देन ओ. ओ यस. ओ. देन औ. ए यू. औ के लिए क्या यूज करेंगे हम? ए यू. ए यू. देन अंग. ए एन अंग. देन लास्ट इज आहा. ए एच. आहा. आहा. ए एच. तो बेटा देखो आज की क्लास में हमने क्या देखा है कि स्वर के लिए कौन कौन से लेटर्स यूज किए जाते हैं. अब इन सभी स्वर में आपको क्या दिख रहे हैं? वॉवेल्स दिख रहे हैं सभी को. ए ई आई ओ यू दिख रहे हैं वॉवेल्स, है ना. तो इन्हीं सभी स्वर को ये जो है वो इंग्लिश के लेटर्स दिए हुए हैं. सभी ने इसे नोटबुक में राइट करना है. ओके. अब आपको पता चल गया है कि कौन से स्वर के लिए कौन सा लेटर आता है. अब देखो बेटा, अब फॉर एग्जांपल इसी से शुरू होने वाले शब्द है ना. जैसे आ ई ले लेते हैं हम, है ना. आ ई, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदर, है ना. लेकिन अगर हमें आई का स्पेलिंग लिखने के लिए बोला तो हम कैसे राइट डाउन करेंगे? आपको पता है आ के लिए हम क्या राइट करते हैं? डबल ए. और ई के लिए डबल ई. आ ई, है ना. हम इसकी जगह पे आई भी राइट डाउन कर सकते हैं, आई. ओके. लेकिन बड़ी लगा रहे हैं तो हम डबल ई लिखेंगे. आ ई आई, है ना, बोलते हैं. तो ऐसे ही आगे की क्लासेस में हम और शब्द बनाना सीखेंगे, ठीक है. तो आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया वो आपको सभी को समझ में आया, है ना. तो ये ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको ये ध्यान में रहेगा तो मराठी के जो शब्द है वो, जैसे कि किसी का नाम है, किसी सिटी का नाम है, किसी शहर का, गांव का नेम है, किसी पर्सन का नेम है, किसी मार्केट का नेम है, तो उनका स्पेलिंग लिखने में बहुत आसानी आपको जाएंगी. समझ में आया सभी को? पक्का? अब फिर से हम एक बार रीड करेंगे इसे. ओके. ओ के लिए ए. आ के लिए डबल ए. छोटी के लिए आई. बड़ी के लिए डबल ई. देन छोटा ऊ यू. बड़ा ऊ डबल ओ. ए के लिए ई. आई के लिए ए आई. ओ के लिए
ओ, औ के लिए ए यू, अं के लिए ए एन और आहा के लिए ए एच। समझ में आया? आप सभी को क्या करना है, ये नोटबुक में राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने के साथ साथ आपको इन्हें रीड भी करना है और लर्न भी करना है, यही आपका होमवर्क है। अब इसके आगे की क्लास में हम क्या देखेंगे, तो इसके आगे की क्लास में ये हो गए हमारे स्वर राइट करके, इसके आगे की क्लास में हम व्यंजन राइट करेंगे। व्यंजन है ना, जो क ख ग घ होते हैं उनके लिए कौन से लेटर्स यूज होते हैं ये हम देखेंगे। ओके बेटा, सो आज की क्लास में इतना ही। बाय, थैंक यू।